हाय एवरीवन एंड यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी और करारी वाली आलू टिक्की ऑल्सो नोन एज आलू के भल्ले की रेसिपी। एंड इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी कि क्या हमें करना है, बेसिकली डू एंड डोंट्स हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप ऐसी ही फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बाहर वाली जैसे आलू टिक्की एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है आलूओं का। यहाँ पर मैंने पुराने वाले आलू का यूज़ किया है, हमें नए जो आलू आते हैं ना विंटर्स के सीज़न में वो आलू का यूज़ नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि हमें पुराने आलूओं का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि उन्हें बॉयल होने के बाद जैसे वो बॉयल हो जाएंगे और सीटी उसकी रिलीज़ हो जाती तुरंत हमें कुकर को खोल देना है, पानी में नहीं छोड़ना है आलूओं को। और क्या करना है कि 2-2 आलू छीलते जाने हैं और 2-2 आलूओं को हमें ग्रेट करते जाना है। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ हम छील लें और फिर सारे एक साथ ग्रेट कर दें। और ये स्टेप हमें बिल्कुल जब गरम आलू रहते हैं तभी हमें करना है। अगर आपने बिल्कुल भी उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ज़रा सा भी तो आलू क्या होंगे, वो चिपचिपे हो जाएंगे। इस समय आप देखिए कि जो मैं ग्रेट कर रही हूँ वो बिल्कुल भी मेरे ग्रेटर में चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल सूखे आलू ग्रेट हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर 7 से 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी पोहा वगैरह यूज़ नहीं किया है, जैसे बाहर वाले आलू टिक्की वाले भैया लोग बनाते हैं ना, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही इसको बनाया है। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। इस समय यहाँ पर कोई भी सॉल्ट वगैरह या कोई भी और चीज़ें नहीं ऐड करनी है, सिर्फ ग्रेटेड आलू और कॉर्नफ्लोर। तो इस तरीके से हमें उसका डो टाइप का नीट कर लेना है और सारा कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से हमें मिलाना है। इन केस अगर ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम बैठ रहा है, क्योंकि आलू के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं 8-10, बट स्टिल अगर ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आप ऊपर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक इसका रफली एक आटा टाइप का नीड हो गया है। अब यहाँ पर मैंने बॉइल्ड ये जो छोले होते हैं उनको लिया हुआ है और छोले बिल्कुल अच्छे से बॉइल्ड हो गए। मैंने इनको पानी में से निकाल दिया था और थोड़ी देर ऐसी चनी में ही छोड़ दिया था। इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसमें मिला रही हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पर डाल रही हूँ, तो करीब हाफ टीस्पून चाट मसाला है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि छोलों में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर दाल ऐड करते हैं, बट ट्रस्ट मी इसमें छोले आप एक बार डाल करके देखिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये छोले मैंने अंदर की स्टफिंग के लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हाथों में मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लूँगी, हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है हमें। और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के बना रही हूँ आलू भल्ले, तो इसलिए मैंने बड़ा पोर्शन लिया है। और बाहर में भी जो बनते हैं तो वो बड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं। तो इसको इस तरीके से बस बीच में हल्का सा स्पेस करना है, बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ पर जो हमने छोले मैश करके रखे थे उसको हम यहाँ पर स्टफ़ कर देंगे। तो मैंने बस 1 टीस्पून यहाँ पर छोले लिए हैं और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम आलू को सील कर देंगे अच्छे से और इसको एक राउंड शेप दे देंगे। इसको हमें फ्लैट नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें इसको राउंड ही रखना है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक आयरन तवा यूज़ किया है और इस पर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी की आलू टिक्की हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देसी घी से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो 2 चम्मच आप रिफ़ाइंड यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये टिक्कियाँ इस तरीके से बना के रख ली थी और इसको हम गरम घी में हम डाल देंगे। आलू टिक्की डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो घी का टेम्परेचर है वो अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, तभी आप इसको ऐड करिएगा। और 2 से 3 मिनट बाद इस तरीके से देखिए साइड से ये नीचे की साइड से बिल्कुल अच्छे से ये गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन्हें टर्न कर देंगे, केयरफुली टर्न करेंगे क्योंकि साइज़ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जब भी हम लोहे के तवे पर बनाते हैं आलू टिक्की को तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं एंड साथ ही साथ उनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। फ्लेम मैंने इस समय लो-टू मीडियम के बीच में रखी हुई थी। तो जो आलू टिक्की है वो हम लो-टू मीडियम के बीच में ही हम बनाएंगे। अब ये दोनों साइड से हल्की सी सिक गई हैं, गोल्डन हो गई हैं। तो मैंने बाकी सारी टिक्कियों को साइड में कर दिया है और एक टिक्की को सेंटर में करके इस तरीके से सेकेंगे, एग्जैक्टली जैसे बाहर में सिकती हैं। तो इसी तरीके से हम अरेंज कर देंगे एंड इस वाली को हम सेक लेंगे और इसको टाइम टू टाइम हमें पलटते जाना है। तो तो हर 1 से 2 मिनट में हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। ध्यान में रखिए कि हमें इसको जलने नहीं देना है, सिर्फ ये गोल्डन सिकनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सिक गई या ज़्यादा देर के लिए हमने छोड़ दिया तो वो क्या होगा, वो जला जला सा उसमें टेक्सचर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको कई बार पलटते रहना है। तो आप देखिए ये दूसरी साइड से भी कितनी अच्छी बढ़िया एकदम क्रिस्पी करारी हो गई है। तो अब ये बन करके रेडी हो गई है और हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। अगर आप देखेंगे तो इसके जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं इसके, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। मैं और आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और आप देख रहे होंगे कि ये जली नहीं है, सिर्फ गोल्डन गोल्डन अच्छी बढ़िया सिकी है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और दूसरी वाली हम यहाँ पर वापस से सेंटर में कर देंगे। तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं तो आप इस तरीके से हल्की हल्की सी सेक के रख सकते हैं एंड फिर आप इसको इस तरीके से सेक लीजिएगा एक एक करके। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको मैं हाथों से हल्का सा क्रश करूँगी और इसको हम प्लेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, यहाँ पर दही है ये मैंने अच्छे से फेंट करके रख लिया है और इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। आप चाहें तो दही में थोड़ी सी शुगर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इमली और गुड़ की चटनी है, ये इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट होता है वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी ये काला नमक है, इसको भी हम इसमें डालेंगे एंड ये भुना हुआ जीरा है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये भुना हुआ जीरा भी डाल देंगे। और ये लाल मिर्ची है तीखी वाली, इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से अनियंस और ये गाजर और मूली को मैंने ग्रेट करके एक साथ रख लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़े से जिंजर जूलियंस और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी सी हरी धनिया ऑन द टॉप। ये सारी चीज़ें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, जिंजर हो गया आपका, मूली, गाजर और हरी धनिया, क्योंकि सीज़न की चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा इनसे फ्लेवर आता है। और उसके ऊपर से वापस से मैं थोड़े थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो ये हमारी आलू टिक्की बन करके रेडी है और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको लकड़ी वाले बाउल में ही सर्व किया है ताकि खाने में भी एग्जैक्टली बिल्कुल बाहर जैसी फीलिंग आए एंड इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाहर जैसा ही आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि घर की बनी हुई है ये। तो आप सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही आलू टिक्की बनेगी। और बस ध्यान में ये रखिएगा कि पुराने आलूओं को यूज़ करिएगा। आलू उबलने के बाद तुरंत आप कुकर को खोल लीजिएगा और दो दो करके आलू छीलते जाइएगा और ग्रेट करते जाइएगा, उन्हें ठंडा मत होने दीजिएगा। एंड ग्रेट करने के बाद तुरंत उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा। ग्रेट करने में हाथ तो जलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि बहुत जलता है हाथ, लेकिन हाँ ये कि अगर कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में आलू की टिक्कियों को सेकेगा। तो मैं इसके लिए लेती हूँ एक बढ़िया सी बाइट। सो गाइज़, आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही बढ़िया चटपटी सी, मज़ेदार सी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, यू आर मोस्ट वेलकम, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।